आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग मजे में होंगे। और आज डेट है 8 अगस्त और अभी सुबह के 10:45 बजे हैं। हाँ राइट, 10:45 बजे हैं और आज हम जा रहे हैं वापस तारापुर बा को देखने के लिए। वैसे तो जब मैं आई थी ना तारापुर से, तब मैंने बा को बोला था कि मैं आपको देखने के लिए वापस संडे के दिन जरूर आऊंगी। और आज मैं अकेले ही जाने वाली थी डूइट लेकर, पर क्या हुआ कि बाहर मैंने चारों तरफ देखा ना, तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। बारिशों वाला मौसम हो गया है। और वैसे तो दिल्ली ऐसे ही होता है कि ऐसे बहुत सारे बादल आते हैं और बारिश भी नहीं होती है, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अकेली गई तो बीच रास्ते में कुछ ना कुछ बारिश की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर सोचा चलो सब लोग ही जाते हैं क्योंकि आज संडे है। दिव्या नहीं आ रहा है, दिव्या को आज ज्यादा होमवर्क है तो बोला कि मैं घर पे ही रुकूंगा। तो मैं जानसी जिगर तीनों जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना हो सकेगा ना उतना आज मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं तारापुर और देखिए घर भी आ गया है हमारा। तो बस हम पहुंच गए हैं अपने मायके और दोपहर का खाना खाने के बाद देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी के आईब्रो सेट कर रही हूँ। वो पार्लर नहीं जाते हैं, उनको शर्म आती है पार्लर जाने में। तो बस जब भी आईब्रो सेट करवानी होती है तो मुझे बोल देते हैं, मैं कर देती हूँ। और यहाँ रिद्धि खड़ी है, दरवाजे पर तुलसी खड़ी है। रिद्धि वो बड़े भैया की लड़की है और तुलसी वो छोटे भाई की बेटी है, और ये भी सिया छोटे भाई की बेटी है। और पीछे जो है वो मेरे बड़े भैया हैं और ये मेरी भाभी है, बड़ी भाभी है। तो बड़े भाई को 2 लड़कियां और 1 लड़का है, और छोटा भाई है उनको 3 लड़कियां हैं। तो बड़े भाई का नाम है महेश, पर सब घर में ऐसे मुन्ना भाई ऐसे नाम से बुलाते हैं, और छोटे भाई का नाम है शंभू। तो चलिए सबसे मिलवाती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे तो ऐसे बहुत कम लोग हैं अभी। तो देखिए मेरी दादी बैठी है, मतलब कि मेरी बा है, और ये जो खड़ी है ना, ये इसका नाम है विश्वा, ये सबसे बड़ी बेटी है मेरे छोटे भाई की। तो बस फ्रूट कटिंग करके लाए थे भाभी, तो वो दे रहे हैं, ये छोटी भाभी है। और देखिए रिद्धि आपको अंदर ले जा रही है। तो ये छोटा भाई है मेरा। तो देखिए तुलसी अपने पापा के साथ ऐसे सोई हुई है। तो पता नहीं यहाँ पे क्या डिस्कस चल रही है, क्योंकि ये जो वीडियो शूट किया था ना, तो जानसी ने वीडियो शूट किया था, मैं तो उस तरफ थी, अपनी मम्मी की आईब्रो सेट कर रही थी। तो देखिए ये सब ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उनके बीच में डिस्कस चल रही है, मुझे नहीं पता है क्या है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और किचन में जो है वो मेरी छोटी भाभी है, प्रियंका नाम है उनका, बड़ी भाभी का नाम सरोज भाभी है। और देखिए बा बैठी है, उनके बाल बनाने हैं। तो बस थोड़ा बहुत अच्छा है, कभी कभी बुखार आ जाता है बा को, पर पहले से बहुत बेटर है अब। पहले तो ऐसे बैठा ही नहीं जाता था उनसे। और दोपहर के बाद शाम के वक्त हम गए थे जलाराम मंदिर। हमारे घर के पीछे जो हाईवे है उस पर ही ये मंदिर पड़ता है। तो श्रावण महीना यहाँ स्टार्ट हो गया है आज से, तो सोचा चलो आपको शिव जी के दर्शन करवा लूँ। और वैसे भी गुजरात में जो है वो श्रावण महीना आज से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ गणपति दादा है, नंदी महाराज है, तो सबसे दर्शन करवा लेती हूँ। और एक बात बोल दूँ कि संडे था ना आज को, तो संडे को यहाँ पे लाइट कटिंग होती है, तो लाइट नहीं थी। तो बस आप शिव जी के दर्शन कर लीजिए और फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स, श्रावण मास की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जल्दी से मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे हम तीनों के बीच में कुछ ऐसे मस्ती चल रही है, तो बस यही मस्ती के साथ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो बाय फ्रेंड्स।